क्या है, इसको यहाँ से इसे लाइट प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा। सो हैंड ट्रूली वेरी वेरी रिफ्रेशिंग हो जो उसके बीच। हाई गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल फूडिनियर रिशुता। सो दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट एवर रेसिपी वीडियो इन द स्टूडियो। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो आज मैं शेयर कर रही हूँ पान चॉकलेट बनाने की रेसिपी एंड 5 से 10 मिनट्स में बन जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि मैंने ये पैन लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। इसको गर्म करेंगे, पानी को बेसिकली बॉईल होने देंगे इसको। और ऊपर ये जो है ना, ऐसे मैंने ग्लास का बाउल लिया है तो इसको मैं रख दूंगी और नीचे से जो पानी है वो बॉईल होता रहेगा और ऊपर इसके हम चॉकलेट डालेंगे। तो ये मोडे का चॉकलेट है, वाइट कंपाउंड चॉकलेट जो कि मैंने रखा है। एंड वन सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन इट। सो दिस इज़ मोडेज वाइट कंपाउंड चॉकलेट। तो बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो इसको ऐसे डाल दूंगी एंड टेम्परेचर मैंने 1000 रखा है इंडक्शन का। और इसको हम चॉकलेट को पूरा प्रॉपरली मेल्ट करेंगे। तो पान चॉकलेट बनाने के लिए 3 से 4 चीज़ें हमें चाहिए। मोडे का वाइट कंपाउंड चॉकलेट, उसके बाद ये जो है माउथ फ्रेशनर आता है, तो मतलब इसमें सौंफ वगैरह पूरा सब कुछ मिक्स है। उसके बाद ये है फैब की ऑयल सॉल्यूबल पान एसेंस, ये हमने यूज़ करने हैं। अभी मैं आपको सामने से भी दिखा दूँगी कैमरा टर्न करके। उसके बाद दिस इज़ ऑयल सॉल्यूबल ग्रीन कलर। तो चॉकलेट्स के लिए हम हमेशा ऑयल सॉल्यूबल कलर ही जो है वो यूज़ करेंगे। जो नॉर्मल कलर होता है वो मत यूज़ करना, इसको यूज़ करेंगे। तो बिकॉज पान चॉकलेट है इसलिए मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। उसके बाद जब कोई और ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आप ऐड कर सकते हो, द चॉइस इज़ योर्स। तो अभी सबसे पहला काम है कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए, तो लेट्स मेल्ट दिस चॉकलेट। सो चॉकलेट को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, मतलब बिकॉज़ अभी पानी जो है वो गर्म ही हो रहा है। एंड व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज़ कि जो नीचे हम पानी रख रहे हैं ना, वो ये जो हमारा ग्लास कंटेनर है इसको वो पानी टच नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ चॉकलेट में बिल्कुल भी जो मॉइस्चर है ना वो कहीं से भी नहीं आना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे, जब ये मेल्ट होना शुरू होगा फिर इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी जो चॉकलेट है वो बिल्कुल हार्ड है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा मेल्ट होने में। बस यही पार्ट है जहाँ पे टाइम लगेगा, उसके बाद तो बहुत इजीली बन जाएगा ये। बट यू कैन सी कि अभी स्लाइट ऐसा चेंज हो रहा है और वो थोड़ा मेल्ट उसमें होने के लिए आ गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि जो पानी है वो ज़्यादा ही बॉयल हो रहा है तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम कर सकते हो ताकि आराम से वो मेल्ट हो जाए एंड चॉकलेट जो है वो हमारा बर्न ना हो। सो तो अभी आप देख ही सकते हो कि कैसे होते जा रहा है। लेट इट मेल्ट इट सेल्फ। मैं अब ज़्यादा नहीं करती इसको, मतलब ज़्यादा नहीं छेड़ती मैं इस चॉकलेट को। तो ये धीरे धीरे खुद ही अभी मेल्ट होता जाएगा एंड देन आई विल शो यू। सो नाउ व्हाट यू कैन सी इज़ कि काफ़ी हद तक जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो रहा है हमारा। बीच में अभी थोड़े थोड़े से इसमें लम्ब्स हैं, सो वी नीड टू रिमूव देम टू। पूरा कम्प्लीटली कुछ भी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। अभी ये देखो आप, इसमें लम्ब्स हैं थोड़े। सो थोड़ी देर और इसको मेल्ट होने देंगे एंड उसके बाद आई विल टेल यू कि क्या करना है। कि कोई भी लम्ब्स नहीं बचे हैं इसमें बिल्कुल भी एंड ये प्रॉपरली जो है वो चॉकलेट हमारा वो मेल्ट हो चुका है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि ये जो फैब की, आप देख लो फैब की एसेंस आती है ये 100 रुपीज़ की, तो पान एसेंस है जो कि मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। सो लेट मी जस्ट ओपन इट एंड बिल्कुल थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ दिस वील बी एडिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप बिल्कुल थोड़ी सी भी ऐड करोगे तो वील सी कि बहुत बहुत अच्छी स्मेल हो जाएगी ऐसे पान पान की ऑल अराउंड। सो ये मैंने ऐड कर दी है एंड इसके बाद नाउ आई विल ऐड दिस जेल
कलर, सो ग्रीन ऑयल कैंडी कलर, ये भी बस जस्ट अ ड्रॉप एंड देन आई विल मिक्स इट एंड यू कैन सी कि बहुत अच्छा कलर हो चुका है इसका. सो कीप मिक्सिंग इट. नाउ आई विल टेक दिस और ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आप बीच में ऐड करना चाहते हो तो करो, बट इट विल ऑब्वियसली इन्हांस द टेस्ट ऑफ द चॉकलेट. सो ये डाल दिया मैंने एंड अगेन आई विल मिक्स इट. मतलब ऑलमोस्ट ये हो चुका है, तो अब हम चलेंगे मोल्ड पे. सो ये जो मोल्ड है इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ये ऐड कर दूंगी. सो आई विल शो यू वन सेकेंड. ये जो है ना ये ऐड कर देंगे ताकि जो चॉकलेट है वो दिखने में प्रेजेंटेबल लगे. सो आप ये पहले भी कर सकते हो. आई जस्ट फॉरगॉट टू डू इट अर्लियर. टू पोर द चॉकलेट. सो इस स्टेज पे व्हाट वी कैन डू इज कि हम पाइपिंग बैग भी यूज कर सकते हैं, बट इफ वो नहीं है तो ऐसे वी ऐड. ये जो ऊपर है अभी उसकी वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट बिकॉज वो हम स्क्रैप कर लेंगे स्पून की बैक साइड से. इसको क्या करेंगे, हम ऐसे टैप कर लेंगे और जो एक्सेस है वो ऐसे स्पून की बैक साइड लेके उसको ऐसे रिमूव कर. इसकी ये जो है मैंने ऐड कर दिया है, इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा ये इसमें डाल दूंगी मैं ताकि वो दिखने में अच्छा लगे. ये करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि इसको जाके फ्रीज़र में रखूँगी मैं फॉर अराउंड 5 मिनट्स, और जब तक ये सेट नहीं होता बेसिकली, और उसके बाद फिर लेकर आते हैं. सो लेट्स कीप देम इन फ्रीज़र. वैसे तो ठंड में अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर भी रखो तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाता है, बट इट विल टेक सम टाइम, तो इसलिए आई विल गो एंड मैं फ्रीज़र में रख के आऊँगी. सो इट्स टाइम टू कीप दीज चॉकलेट्स इन द फ्रीज़र. सो गाइज आई टुक दीज आउट एंड ये रेडी हो चुके हैं. सो इसको अब डीमोल्ड कर लेंगे. तो बहुत कुछ भी नहीं करना, नीचे से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे एंड ये खुद बाहर आ जाएगा. सो यू कैन सी. सो आई हैव टू गो ब्रिंग वन प्लेट. ओके दीज क्या है, इसको यहाँ से इसे लाइट प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा. सो वेरी क्यूट हार्ट शेप्ड चॉकलेट. सो ऐसी सभी चॉकलेट्स मैं अभी बाहर निकालूंगी. मी जस्ट डीमोल्ड ऑल दीज चॉकलेट्स एंड ये बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग होता है पता है ऐसे करना, एंड बहुत ईजीली बाहर आते जाएंगे. यू कैन सी. ओके सो गाइज दी चॉकलेट्स आर रेडी एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू टेस्ट इट. सो मैं ये स्टार शेप चॉकलेट जो है वो खा के देखती हूँ पहले कि कैसा है. एंड ट्रूली वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. वो जो उसके बीच में मैंने वो माउथ फ्रेशनर डाला है ना, उससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो रहा है. सो ईजी रेसिपी है, जल्दी बन जाएगा. दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए, ऐसे भी घर पर भी कोई आ रहा है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इसको बनाना. You can definitely give this recipe a try. बना के मुझे बताना कि कैसे बने and how were they. So that was it for the video. Thank you so much for watching. जाने से पहले चैनल को please subscribe कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना. I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe, enjoy these chocolates and bye bye. ये ठक ठक पता नहीं किसको ही करना है.